हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सारो से रिलेटेड। एक्सारो आपको पता ही है, एक्सारो टाइल्स एक पर्टिकुलर स्टॉक्स अभी 1-1.5 महीने पहले आता हुआ दिखाई दिया था और आपको बीच में यहाँ पर पकड़ के दिया था। और उस टाइम हम बात करें उसके बाद से एक अच्छी खासी रैली, ओके, शेयर भागता हुआ दिखाई दिया 30-40। और यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेशन फेज और पोल एंड फ्लैग टाइप में पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है और शायद कल की डेट में दोबारा ये भाग सकता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे इस एक्सारो टाइल से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पर मिलती रहे। और यहाँ पर आज की डेट में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, पैसा होगा डबल। यहाँ पर बात करिए रूट मोबाइल स्टॉक से रिलेटेड, और यहाँ पर दो स्टॉक्स ऐसे भी है जहाँ पर और जो हमने आपको 4 से 5 महीने पहले बताए थे, ICICI सिक्योरिटीज और एमटार, यहाँ पर पैसे लगभग डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हो एक्सारो से रिलेटेड बातें। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका खुद का चैनल है, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे बना के अच्छे खासे स्टॉक्स आपको अच्छे लेवल पे बता सके। बाकी पर्सनली अगर किसी को स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेनी है, क्योंकि डेली वाइज पे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं हमारे रिडार पे, बट सारे स्टॉक से रिलेटेड हम वीडियो नहीं बना पाते। एक दो तीन वीडियो, चार वीडियो लास्ट आ पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैकिंग। बट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा, अगर आप कहेंगे तो आपको ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको चूज करके ड्यूरिंग द मार्केट या ऐसे आपको बता दिए जाएंगे, तो उस वो नॉमिनल चार्जेस पे। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर है, व्हाट्सएप पे आप हमें पिंग करिए, सर्विस से रिलेटेड जानकारी दीजिए, और आप अगर आपको अच्छी लगे तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उन एक्सारो से रिलेटेड। तो एक्सारो से रिलेटेड पहले चीज जानने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। देखिए, 15 सितंबर को 168 रुपीज पे ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया, आज भी लगभग 5% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया 160 रुपए पे, और एक दो दिन से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा था। आज के दिन देखे तो लगभग 60% की डिलीवरीज, 4,47,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स के पास लगभग लगभग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दे रखा, बट हम यहाँ पर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। और इसके बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने वाले हैं, और तब ये शेयर शायद आपको और बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स देता हुआ नजर आ सकता है। इसके रिजल्ट पे सब कुछ डिपेंड होगा, इसलिए शेयर अभी भागने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, एक्सारो जो है टाइल्स से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आता है। इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स एंड ग्लेज वेट्रीफाइड टाइल्स यूज फॉर फ्लोरिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 100,000+ इनके पास डिजाइन है, इनका एक्सारो नाम से खुद का ब्रांड है, पैन इंडिया में ये प्रेजेंस है, 2,000+ इनके रजिस्टर्ड डीलर्स है, 24 स्टेट्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एज वेल एज यूनियन टेरिटरी में। तो एक्सारो टाइल्स देखिए एक लीडिंग यहाँ पर अगर हम देखें टाइल्स कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत ज्यादा तैयार होना है, थोड़ा सा टाइम ये स्टॉक ले सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम तैयार होगा, ओके, आपने देखा भी है अलग अलग प्रॉपर्टी के स्टॉक्स अभी भागते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय एज वेल एज प्रेस्टीज और डिफरेंट डिफरेंट शोभा, अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए थे। तो स्टॉक क्यों भागे थे, क्योंकि उनकी जो सेल्स थी ना वो हाईएस्ट एवर सेल्स आती हुई दिखाई दी थी। उनकी जो उन्होंने तीन अगर बात करें, किसी ने 3,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 1 महीने में बेच दी, किसी ने कितने करोड़ की प्रॉपर्टी, और आगे भी इस तरीके से वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। और जब वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है केवल वो घर ही बना के नहीं देंगे, वो घर के अंदर देखिए टाइल्स का बहुत यूज होता है, ओके। तो यहाँ पर टाइल्स का जब यूज होता है ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो ये दो तीन पर्टिकुलर कंपनीज है यही शेयर यहाँ पर भागते हुए दिखाई देंगे। तो यही थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक्सारो टाइल्स, यहाँ पर एक वन ऑफ द लीडिंग यहाँ पर कंपनी यहाँ पर नजर आती है। इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिए, लैंडस्केप, बाथरूम, किचन, रेजिडेंशियल फ्लोरिंग, स्टेयर के सॉल्यूशन, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एज वेल एज आउटडोर एंड टेरेस, और कमर्शियल फ्लोरिंग, पॉर्च, पार्किंग। तो मतलब हर एक सेगमेंट में कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल पूरा का पूरा सेगमेंट ही कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एक बार इनके व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है, एज वेल एज यहाँ पर अगर जाएंगे ग्लोबल प्रेजेंस में तो आपको वो भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इनके देखिए प्रोडक्ट्स से रिलेटेड यहाँ 1,000+ इनके पास टाइल्स है।
यहाँ पर आगे करते जाएंगे तो इनके प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो होता जाएगा, एज वेल एज यहाँ पर इनकी प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर आप इनकी प्रेजेंस देख लीजिए यूरोप में, यहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, एशिया में यहाँ पर 6 कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका और इंडिया में तो इनका प्रेजेंस है ही। तो यहाँ पर देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड मोस्टली ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, तो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पर सर्टिफाइड कंपनी है, ISO से सर्टिफाइड है, टेस्टेड ISC ये कंपनी का मतलब सर्टिफाइड यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो ये अगर मैं ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे घर बन रहे हैं, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है भारत में, ऑलरेडी यहाँ पर पीक पे चल रहा है और वर्ल्ड में भी इस तरीके से काम चल रहे हैं, हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने आप को ग्रो करे, तो यहाँ पर ये देखिए एक्सपोर्ट भी करती है एज वेल एज बात करें यहाँ पर इंडिया में भी काम आती है, इंडिया में भी अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता है, तो ये एक शेयर आपको बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल देखिए 679 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप है, ROC ROE इनका 13 और 11%, डेट की बात करें डेट कुछ ज्यादा 113% का डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है ओके, और एज वेल एज बात करें 10 का यहाँ पर फेस वैल्यू भी है, तो यहाँ पर इसकी PE कितना है 44 का, इसे कुछ इसके पीयर कंपेरिजन भी एक बार हम करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे सबसे बेहतरीन कंपनी नजर आती है, तो दो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की बात करें, ये दो एशियन और ये एक्सारो दोनों स्मॉल कैप में नजर आती है, एशियन थोड़ी बड़ी है, एक्सारो थोड़ी छोटी नजर आती है, और एक्सारो का पी महंगा है एशियन का यहाँ पर, बट हम एशियन की बात नहीं कर रहे, एक्सारो की बात कर रहे हैं, एक्सारो की बात क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का रीजन एक और बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, सबकी तरफ नजरें बना के रखनी है, बट यहाँ पर दो कंपनी की तरफ खासकर बनानी है और एक्सारो की तरफ और ज्यादा खासकर बनानी है। तो एक्सारो की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सारो अभी लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है, इसकी मार्केट कैप कम है ओके, और अच्छे खासे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें जो अभी आए नहीं है यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि अभी आएंगे तो और पता चलेगा, बट ईयरली बेसिस पे बात करें तो इसने अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कितने साल हो गए, लगभग 6 साल, 6 साल में इस कंपनी ने अपने आप को डबल करके दिखाया है रिवेन्यू में, यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़ का प्रॉफिट 15, तो यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी के साथ ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और छोटी कंपनी है बट स्टिल यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है, पैंडमिक में होने के बावजूद कंपनी ने यहाँ पर बात करें पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट निकाला है, तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी बेहतरीन है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स देख सकते हैं कंपनी के 5-6 साल में 38 करोड़ के रिजर्व्स, यहाँ पर 102 करोड़ के लगभग 3 टाइम्स यहाँ पर रिजर्व्स होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग यहाँ पर देखिए कम होती हुई नजर आ रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर, यहाँ पर 158 करोड़ की बोरिंग रह गई है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और कैश की बात करें तो कंपनी का 5 करोड़ का कैश भी है, छोटी कंपनी है तो इसी तरीके के यहाँ पर फंडामेंटल्स मिलेंगे, इसी तरीके के फाइनेंशियल्स मिलेंगे, कैश भी देखिए कंपनी का पॉजिटिव रहा है हमेशा कैश फ्लो, और यहाँ पर बात करें ROCE की, तो ROCE एक रेंज में काम करती हुई दिखा रही है दे रही है, और अगर हम बात करें पिछले 3-4 साल से तो देखिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आगे चल के और भी, यहाँ पर देखिए एक बार शेयर जब और लिस्ट हो जाता है ना तो और उसका नाम होता हुआ नजर आता है, तो और नाम नया होता हुआ नजर आएगा, तो ये इस कंपनी पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से अगर हम बात करें और यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर मैं कुछ और पैरामीटर की बात करूं तो देखिए 680 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 680 करोड़ को कोई भी बड़ा आदमी जिसके आप बेहतरीन पैसे अगर रहते हैं, जो रिच है, जो वेल्दी है, जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर में खेलता है, इस कंपनी को बहुत जल्द ज्यादा यहाँ पर हिला सकता है, हिलाने का मतलब है यहाँ पर शेयर को भगा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सारो के एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें मिलता हुआ नजर आएगा, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में, और अभी और यहाँ पर ये सारे की सारे जहाँ जो ये अपडेट नहीं हुए सब अपडेट होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर नॉन शेयर, यहाँ पर अगर बात करें 100% शेयर, प्रमोटर्स के 42%, FIs ने देखिए 4% की होल्डिंग ले रखी है, नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स के पास 4% के आसपास की है, अदर्स के पास 2.4 और जनरल पब्लिक के पास 47% की है, और 47 में ही बात करें तो बड़े बड़े लोग ऑपरेटर यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि अभी जब एक बार यहाँ पर आ जाएगा एक्सारो के शेयर होल्डिंग पैटर्न में तब एक बार हमें क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग यहाँ पर, तो देखिए ये शेयर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया, आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई और उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर लोअर हाई लोअर टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया, तो 120 से ये शेयर यहाँ पर 168 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से एक यहाँ पर अगर बात करें गिरावट, तो यहाँ पर देखिए पोल और ये फ्लैग बनाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद अगर बात करें इसने आज के दिन भी दोबारा
कोशिश करिए भागने की। और दो दिन से हरी कैंडल यहाँ पर दिखाती है कि कल की डेट में दोबारा ये शेयर ऊपर जाएगा और शायद ये शेयर और यहाँ पर और जो RSI की जो इसका कर्व दिखाई दे रहा है और RSI दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से लग रहा है कि 200 रुपए का टारगेट यहाँ पर बहुत जल्दी होते हुए दिखाई देगा। एज वेल एज एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यह 160 रुपए पे चल रहा है, 300 रुपए का टारगेट अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं ना तो यहाँ पर दिसंबर यहाँ पर विद इन 3 to 6 month यहाँ पर ये 300 रुपए का टारगेट आपके पैसे डबल करता हुआ दिखाई देगा। इस चीज को याद रखिए क्योंकि ऑपरेटर ऐसे स्टॉक्स को ही भगाते हैं और ऐसे स्टॉक्स में ही यहाँ पर पैसे कमाते हैं। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मेरे माइंड में था, जो मुझे पता है, जो मैंने यहाँ पर सीखा है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड की IPO आ रहे हैं तो किस तरीके से आप इन्हें एनालाइज कर रहे हैं, वो सब चीज में आपको मिला जुला करके आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके का मुझे लग रहा है कल की डेट में एक भागेगा और थोड़े अभी तो थोड़ा सा ही और बट लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो लगभग 300 रुपए का ये टारगेट आपको आपके पैसे डबल करता हुआ दिखाई देगा। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छे लगे हो लाइक कमेंट शेयर करना है इस वीडियो को और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है और दूसरी वीडियोज को जाके देखिए लास्ट तक वीडियो में डेफिनेटली बने रहा करें और व्हाट्सअप हमें पे आप हमें पिंग कर सकते हैं हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।